Oh dear, my friends. आज हम लोग कुछ एनालाइज करेंगे किसमें किस तरह से हम क्रूड मतलब MCX में ट्रेड करके पैसा बना सकता है मंथली बेसिस पे। तो हमने क्या ट्रेड करेंगे, हमें सिल्वर, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको US डॉलर को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो अगर आप डेली कैंडल को फॉलो कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा तो US मतलब डॉलर इंडेक्स क्या हो रहा है, तो इसको पहले तो ध्यान रखना आपको। ठंडी लग गया यार, तो डॉलर इंडेक्स को ध्यान देना। तो डॉलर इंडेक्स अभी तो नीचे ही चल रहा है, तो अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इस तरह से देख लेना, ठीक है। तो हम डेली में जाएंगे, अभी क्या जाएंगे, हमारा ट्रेड करना है सिल्वर में। तो सिल्वर में हम मिनी लॉट में देखेंगे इसका। पहला तो हम इसके लिए CDA पहले तो अब देख लेना चार्ट में, ऐसा कुछ नहीं। तो सिल्वर का जो मेन चार्ट है तो इसको ध्यान देना आपको, ठीक है, क्योंकि यही मेन है, इसको ट्रैकिंग करता है। तो सिल्वर आप करना तो अभी जो फिलहाल है इस पोजीशन में, नहीं तो बाय नहीं तो सेल। हाँ, यहाँ से सेलिंग आ सकता है छोटा सा, मगर इसका यहाँ से सेलिंग करे तो भी कुछ स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है। तो एक बाय एक सेल दोनों करना चाहिए, तो किस तरह से क्या कर सकता है, तो हम लोग आएंगे जो प्रॉपर हमारा डेली टाइम फ्रेम में। तो हम डेली टाइम फ्रेम में नहीं आएंगे, इस तरह से टाइम फ्रेम चेंज करते रहना। हमारा मेन मकसद क्या है, पहला तो डेली टाइम फ्रेम में कुछ लेवल ड्रॉ करना, कहाँ रेस्ट एंड सपोर्ट, ठीक है, या ट्रेंड लाइन फ्रेंड लाइन कोई जरूरत नहीं है, अंदर डिमांड एंड सप्लाई। तो उसके बाद हम लोग आएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम, क्योंकि अब जो डेली टाइम फ्रेम कर रहा है उसके बाद थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे करके आवरली टाइम फ्रेम में ट्रेड करना आपको, ठीक है। तो क्या करना, आपको इस तरह से लेवल ड्रॉ कर लेना, तो उसके बाद और छोटा टाइम फ्रेम में आना है। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, इंट्राडे का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, इंट्राडे कर सकता है जब इसका नज़दीक हो जाए। अभी देखो यहाँ से एक बाइंग था, मगर इसका बूम हो गया, इस तरह से नहीं है, बाइंग एक सीनरी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग बाइंग, इस तरह से बाइंग तो नहीं मिले, बता रहा हूँ सेलिंग हर ये देखो इस तरह से एक पटन होना चाहिए बाइंग के लिए, तभी जाके आप बाई कर सकते हैं। इस तरह से मोमेंट तो आपको पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जो सिल्वर, इसको तो देखना ही आपको मेन है ना। तो हमारा ट्रेड करने का मकसद क्या है, इसको देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जब भी आपको प्राइस मिलेगा, ये सेलिंग प्राइस थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकता है। हाँ, नीचे का एक प्राइस है बाइंग का, वो जो नीचे का लेवल देखा, क्योंकि ये हम स्विंग ट्रेडिंग का बात कर रहे हैं। तो अभी पहला तो ये सब देख लेना, ठीक है। इसको देखने के बाद अपन ये क्रूड ऑयल वगैरह वो तो अलग जिसमें कर रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, डॉलर इंडेक्स को ध्यान लेना, सिल्वर को ध्यान ना। क्रूड ऑयल बोले तो डॉलर को ध्यान करें तो क्रूड ऑयल भी आ जाएगा उसका अंदर, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये गया अपना इंडेक्स इसके अंदर, और आपको कुछ देखने का नहीं है। इस तरह से आप देख सकता है क्या क्या नहीं, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। इसको देख लिया हम, क्या देख लिया, इसका जो देख लिया देख लिया। अभी हम लोग आएंगे, पहला तो डॉलर इंडेक्स तो वहाँ से देख लिया, वहाँ है देखिए तो काफ़ी हो जाता है, ठीक है। अभी हमारा जो मेन मकसद है तो उसको दिखाना है, ये सिल्वर मिनी। देखो सिल्वर अंदर बहुत सारे आता है, जैसा SILVER, यह हम कमोडिटी में जाएंगे क्योंकि अभी करेंसी नहीं दिख रहा है। तो सिल्वर जो है, सिल्वर का अंदर EM लगाए तो क्या होता है, मिनी लॉट, जिसमें 5 5
अभी मिनी में नहीं ज़्यादा, क्योंकि मिनी में अगर हम बाय करेंगे ई एम, मतलब मिनी अगर मिनी नहीं, उससे पहले तो ई एम कर देंगे खाली सिल्वर, राइट, खाली सिल्वर अगर हम कोई भी एक उठा लेता हो जैसा मार्स का, राइट। अभी ये बाय करने जाएंगे सपोज, इसका अगर 1 लॉट देखेंगे तो 2,52,000, इतना तो हमारा बाइंग करो सेलिंग करो लगना तो उतना ही है, ठीक है। 2,53,000 जो पकड़ लो, तो अगर हम एच आई एल सिल्वर सिल्वर ईएम ईएम में थोड़ा सा और भी बाई करो सेल करो कुछ भी करो, तो इसका फेब्रुअरी का आता, अगर 1 लॉट बाय करेंगे तो इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट 14,000, क्योंकि ये थोड़ा सा मिनी 5 आता, राइट, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है पैसा। इसमें क्या है अपना थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, तो मेन से हमको जाना है मिनी, जैसा जैसा एस आई एल वी ई आर एम आई सी, एम मतलब मिनी होता है, एम आई सी, तो एम आई सी में कितना होता है, मतलब छोटा है इसका, ठीक है, तो छोटा, तो इसका लगता है कितना, 8,000। हर ब्रोकर कोई ब्रोकर में 10,000 लगता है, जैसे फायर में 10,000 लग रहा है। तो इसको क्या करना, देखो कॉन्टैक्ट को ऐड करना पहला, तो किस तरह से ट्रेड करना है, राइट। अभी यहाँ पे हम जाएंगे ओवरव्यू में देखने, क्योंकि डाटा इन कंज्यूम होगा ज़्यादा, तो हम जाने के बाद अगर दो दो कंटेक्ट ले लिया, राइट, अभी ये लॉस चल रही है, देखो दूसरा पोजीशन है, तो उसको देख के आप प्रॉफिट भी दिखा देंगे, पहले तो आपको समझाएंगे किस तरह से क्या होता है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनना है। ठंडी तो लग गया है, क्या कर सकता है, साला मच्छर आ जाएगा, मच्छर भी आता है यार। देखो पहला तो हमने सी एल बार ई एम आई सी मतलब मैंने यहाँ पे देखो, सपोज मैं आप लोग को किस तरह से बता रहा हूँ, जिस तरह से यूएसडी यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन से इंस्टेंट फ्यूचर चेन, ठीक है, फ्यूचर चेन में जाएंगे तो यहाँ पे आ गया, राइट। फ्यूचर में क्या है, देखो एक कुछ यहाँ पे देखना, सिल्वर जो मार्स का फ्यूचर है मिनी का, तो उसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, ये देखो कुछ नहीं है, ध्यान दो कोई डाटा मतलब इंक्लूडेड बाइंग एंड सेलर नहीं है। अगर आप सपोज इसका बाइंग करने जाएंगे तो होगा नहीं, ठीक है। कितना है मार्स, हमने यहाँ पे ऐड कर लेंगे, एस आई एल वी ई आर एम आई सी मार्स का, राइट, मार्स का ऐड कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये मार्स का ऐड कर लिया, अगर हम इसमें बाइंग जाएंगे तो ये क्वांटिटी, सॉरी 11 में एक में, तो यही मतलब मार्स का, इसका पहले तो हमको क्या देखना पड़ेगा, बाइंग करो सेलिंग करो, इसका एडवांस मार्केट डेप्थ, मतलब कोई बायर एंड सेलर नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखो बायर एंड सेलर कोई ऑर्डर नहीं, पता नहीं किसके होगा, तो ये मार्स कॉन्टैक्ट का है, इसको अपन डिलीट करेगा, क्योंकि ये हमारा काम का नहीं है, तो हमेशा ध्यान देना। जैसे 2-3 महीने का कॉन्टैक्ट आप ले लेना, एक कॉन्टैक्ट में क्या होता है, आपको टेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पास पहला तो फेब्रुअरी का कॉन्टैक्ट है, मतलब जैसे अभी का यूएस डिजाइनर का जैसे बात कर रहा हूँ, सपोज अभी यूएसडी आईएनआर का ये देखो, सपोज दिसंबर, दिसंबर का बाद कितना, जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल फेब्रुअरी मार्च अप्रैल छोड़ दिया मैं, कोई बात नहीं, तो ये मंथली मंथली इजीली मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है, राइट। यहाँ पे हो रहा है फेब्रुअरी आ रहा है, मार्च आ रहा है, अप्रैल आ रहा है, जून आ रहा है, अगस्त आ रहा है, तो इस तरह से कॉन्टैक्ट होता है। तो ये कॉन्टैक्ट जो भी ले रहा है 2 महीने का 3 महीने का कॉन्टैक्ट, मतलब जहाँ पे बायर एंड सेलर होना चाहिए, मतलब कॉन्टैक्ट को ध्यान रखना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, बस इस कॉन्टैक्ट में नहीं है बायर एंड सेलर, तो मैं इसको डिलीट कर देंगे, समझ रहे क्या। अगर अभी ये कॉन्टैक्ट को क्या करना, पेजेंट मतलब जो भी चला है, सपोज अभी क्या करना, सिल्वर, जैसे सिल्वर मिनी क्या है, अभी ये कॉन्टैक्ट क्या करना, आपने
यहाँ पे जो नज़दीक का है उसको बाइंग नहीं करना, क्योंकि नज़दीक का हमेशा क्या करना, सेलिंग करना, ठीक है। सपोज इसका एक कैपिटल कितना होना, सपोज 1 लाख कैपिटल है, उसका आपको 30% कैपिटल यूज़ करना, समझ रहा है किस तरह से। मंथली इजीली आपको 5% निकालना है, इजी, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक लॉट आपने यहाँ से क्या किया, सेल कर दिया, प्लेस कर दिया, राइट। तो एक लॉट अगर सेल हो गया तो हो गया, मतलब चार्ट क्या है, यहाँ से आपको चार्ट को ले लेंगे यार, रुको, इसका चार्ट ले लिया, राइट, इसका चार्ट ले लिया। तो ये सब लेवल ड्रॉ करके रखना है, ठीक है। इसका चार्ट का वगैरह आपको लेवल ड्रॉ करना है। अगर सपोज अभी मार्केट याद चल रहा है, राइट, अभी यहाँ से मार्केट, सपोज यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो हम सेलिंग में तो प्रॉफिट करेंगे, राइट। अगर सेल किया तो प्रॉफिट कमाएंगे। अगर इसका मेरा रिवर्स गया तो रिवर्स कौन सा जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, नेक्स्ट। और रिवर्स बोले तो फिर सच, अभी ये क्या करना, हमेशा ये जो मतलब पेजेंट मांड थे तो इसमें फंड तो नहीं है, क्योंकि ये होल्डिंग में पड़ा है। देखो यहाँ पे होल्डिंग का, तो यहाँ पे मैं फंड नहीं रखा अभी फिलहाल के लिए। तो ये क्या करना, इजीली आपने क्या करना, यहाँ से एक लॉट सेल कर देना, ठीक है। ये सब हटाएंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चल रहा है प्राइस, राइट, स्पॉट प्राइस जो भी चल रहा है, तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखना, और यहाँ पे भी देख सकता है। तो यहाँ पे आ गया, राइट। अभी यहाँ से मार्केट क्या कर, नीचे आने का संभव है, तो हमने क्या किया, सेल कर दिया, राइट। पेजेंट जो मंथ चल रहा है, तो मतलब पहला जो कंटेक्ट चल रहा है 2-3 महीने का, जो भी मतलब स्पेस रहना चाहिए 2 महीने तक का, ऐसा अभी का फेब्रुअरी है, तो दिसंबर जनवरी फेब्रुअरी बहुत दूर का कंटेक्ट है। तो हमने क्या कर सकता है, इस कॉन्टैक्ट को क्या करना, एक सेल कर देना, सब सेल कर दिया। तो नेक्स्ट कॉन्टैक्ट हम जो रिस्पेक्ट क्या है, नीचे जाएगा, तो नीचे कहाँ जाएगा, पहला तो हमने इस तरह से कर देंगे तो समझ में अच्छा आएगा। पहले तो हम डेली कैंडल जाके यहाँ पे भी आपको उस लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन इस तरह से आके यहाँ आ गया, राइट। अभी हमारे पास ये आ गया, डेली टाइम फ्रेम में हम ले रहा है लेवल ड्रॉ, किस तरह से करना है आप देख लेना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, ये 3 लेवल लिया, आप चाहे तो और एक लेवल नीचे कर ले सकता है, यहाँ पे ले लिया। तो नीचे का जो रहेगा वो थोड़ा सा ब्लैक कर देंगे, ऊपर का जो है उसको थोड़ा क्या, वहाँ पे तो ट्रेडिंग व्यू चार्ट देखना ही देखना है। और यहाँ पे जहाँ पे अभी फिलहाल है वो न्यूट्रल लेवल है, तो न्यूट्रल लेवल में क्या देंगे, कोई दूसरा कलर दे देंगे। अरे यार, यहाँ पे तो हमने रेड पसंद किया था, नेक्स्ट कलर थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस कलर में न्यूट्रल कलर करेंगे। ये जो कलर है इसको हम बाइंग परपस का जो है, बाइंग के लिए यूज़ करेंगे। तो ये है सेलिंग, ये है बाइंग, मतलब अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूज है। हाँ, अभी ये लेवल नहीं हुआ, ये एक बार डेली टाइम फ्रेम में लिया, अभी जो लेवल आएगा तो हमारे पास आएगा आवर्ली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे ऐसा करेंगे, तो यहाँ से छोटा करेंगे, और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आ गया, ज़्यादा दूर नहीं, बस हो गया। क्योंकि यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट देख सकता है, यहाँ पे 22-23 मई है, तो बहुत दूर का कॉन्टैक्ट है, मतलब बहुत दिन का हम ले लिया। तो इसको देखते हुए क्या करना हम, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, देखो इस तरह से थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये वाला ठीक है। अगर हम इसका देखेंगे थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे 1 4 है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अपन को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, हाँ यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा और, हाँ, क्योंकि ये एक
ठीक है, ये दो यहाँ पे बार बार मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर इसको जो है थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, तो हम अपना बाइंग लेवल ये भी बाइंग न्यूट्रल लेवल है, चाहिए इसे सेल भी कर सकते हैं हम। तो इस किस तरह से देखो, हमेशा प्राइस को क्या करता है, कभी भी सीधा नीचे नहीं आता, सीधा ऊपर नहीं जाता, ये एवरेजिंग करना है इसमें कैसे सेटअप से। तो अपन को सब कुछ देख लेना, आवर्ली इंट्री जब लेना है तो आवर्ली टाइम फ्रेम में लेना है, न्यूट्रल लेवल है। ठीक है, तो अभी तो क्या है, अभी कैपिटल 1 लाख है, तो 30% कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटी कितना आता है वो हिसाब से आप देख लेना। अभी देखो ऊपर का क्या है, सेलिंग है, 15 मिनट में आया। ठीक है, 15 मिनट में सेलिंग लेवल है, अभी थोड़ा सा क्या है दूर प्राइस है, ये हुआ हमारा प्राइस रेट, ये जो रेड कलर के, अगर मैं यहाँ से सेल करे तो सीधा आए, ठीक है, नीचे आया, स्टॉप लॉस लगा ले, वो तो नेकेड बाई है। अभी इस काम के लिए कैसा हम सेल एंड बाई कर सकते हैं, अभी देखो ये ऑप्शन में कॉल राइट पुट दोनों साइड से हेजिंग कर सकते हैं, मगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये मिनी लॉट है, EMI से मतलब माइक्रो, तो माइक्रो लॉट है, तो इसमें क्या होता है आपको ऑप्शन चेन देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे जो EM है तो उसमें आपको ऑप्शन सेल मिलेगा, और फुल सिल्वर में आपको ऑप्शन सेल देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, बस इसको क्या करना, सेल कर देना। ठीक है, जितना आपको कैपिटल मैनेज करके चलना पड़ेगा, 1 लॉट सेल कर दिया, फिर क्या करना, ये अप्रैल का जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या करना, फिर से एक एक सेल एक बाई करना, बस काम है, एक सेल कर दिया एक बाई कर लेना, दोनों को आगे एक प्रॉफिट देगा एक लॉस देगा। तो अपन एक प्रॉफिट एंड लॉस, तो किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा ये देखो, जो मैं USDINR में अप्लाई कर रहा हूँ सेम उसी तरह से यहाँ पे आपको अप्लाई करना, सिलेक्टेड वॉल जाना है, देखो इसमें क्या करा है, सेम 1 लॉट के 10 लॉट है, तो 283 हमने क्या किया, एक सेल किया कैरी फॉरवर्ड में, एक बाइंग किया राइट, अभी 325 दे रहा है, ये 230, क्योंकि मैंने बीच में गैप था 400 500, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका था एक बार, तो मैं ओवरऑल मेरा EMI का PNL दिखाएंगे आप लोग को, मतलब छोटा जहाँ पे कैपिटल है तो उसी का हम दिखाएंगे। पहले तो यहाँ पे आएंगे, अकाउंट में जाएंगे, देखो यहाँ पे 429 है, क्योंकि जितना है यहाँ पे उतना मैनेज करने का है, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग चार्जेस कितना लगा है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है, ओवरऑल लगा देखेंगे। तो फाइल पहले मैं इसको ट्राई कर रहा था, जून से नया अकाउंट था, 47 रुपीज़ लॉस था, क्योंकि ये ट्रेडिंग का लॉस नहीं है, ब्रोकर का जो आता है, फिर अगस्त में 2279 हमने लॉस किया था, फिर सितंबर में 94 है, क्योंकि अगस्त में लॉस हुआ था और यहाँ पे 270 लॉस हुआ था, फिर नवंबर में हमारा पास अच्छा खासा प्रॉफिट जो भी है लॉस से रिकवर होगा, दिसंबर में भी हम 3000 में प्रॉफिट में है, तो दिसंबर का बात करेंगे। एक दिन ये लॉस हुआ था 250, ये लॉस नहीं एवरेज प्राइस का, तो मैंने काट किया आधा प्राइस, तो वहाँ पे लॉस का बुक पहला करा देता है एंजल में, तो मुझे वहाँ पे समझ में आया। तो यहाँ पे चार्जेस लगा 297, हमने क्या किया, पहला दिन कमाया था 952, यहाँ पे चलो लॉस हो गया, जो लॉस तो किया ना बिसा नहीं, तो वो लॉस को मैं रिकवर करने के लिए यहाँ पे उस दिन का आधा प्राइस जो यहाँ पे सेल कर दिया तो वहाँ पे लॉस दिखा रहा था, तीसरा दिन आधा प्राइस लॉस हुआ तो यहाँ पे प्रॉफिट में दिखा रहा था, क्योंकि नीचे बाई करा दिया और ऊपर का वो लॉस में सेल करा दिया, तो यहाँ पे मैं वही पोजिशन काट दिया, तो फिर दिन भी मतलब यहाँ पे ओपोजिशन सब कुछ काटना पड़ा, एडिट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे उतना खास नहीं हुआ राइट, 14 में 1441 था। ठीक है, और 15 में हमने 1000 बुक किया, तो यहाँ पे 1000 2000 टोटल मिला के 3600 टैक्स वैक्स काट के, नेट चार्जेस वगैरह काट के 3600 बैठा है दिस मंथ। ठीक है, हाँ, तो हम 15 का बाद कोई ट्रेड नहीं है, 18 वगैरह सब बंद है ऐसे ही। ठीक है, और मतलब ये बात है, अगर फिर से जाएंगे
कहाँ पे लॉस किया राइट? अभी कस्टमाइज 3 मंथ है, यहाँ पे 3 मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये अक्टूबर का क्या हाल है? देखो अक्टूबर में यहाँ पे 5 रुपीज़ का, यहाँ पे 800, यहाँ पे 600, तो ये अक्टूबर का काम ही सही है ठीक है। और यहाँ पे सितंबर लेटेस्ट 3 मंथ, 6 मंथ देंगे। ये जून, ये अगस्त में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था, तो ये लॉस आपको देखना, ये जब मतलब स्ट्रेटजी बिल्डअप करना पड़ेगा। ये देखो लॉस लॉस हुआ था, मतलब साइकोलॉजी गेन किया था यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे एक नेट लॉस देखा 29, यहाँ पे उसको बाद भी लॉस था। तो अभी जो मंथ चल रहा है, प्रेजेंट मंथ इज द 3 मंथ, 10 30 डेज राइट। अभी 30 डेज के अंदर ये भी आता, तो 3 मंथ के अंदर अभी नवंबर का मंथ का क्या हुआ राइट? नवंबर मंथ में 800, कोई बात नहीं, मतलब ये कैपिटल 20,000 था शायद, अभी का कैपिटल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अभी का कैपिटल देखेंगे 41,000 कैपिटल है, मार्जिन में जाएंगे। व्यू द बैलेंस फंड, यहाँ पे देखना 44,000 होगा यार, मुझे ही पता नहीं चल रहा है कब का कब हो गया। 42,000 है, कितना था अभी बैलेंस बढ़ गया, चलो कोई बात नहीं, अभी 44,000 का बैलेंस हो गया। तो क्योंकि हमने एडिट फंड का बात कर रहा था, उसके बाद ये 44,000 हो गया बैलेंस। और मतलब इस स्ट्रेटजी में क्या है, अगर हम देखेंगे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, क्लोजिंग बैलेंस 42,344,000, तो यहाँ पे लगातार देखो लॉस जब भी होता है ना, हो गया, अभी लॉस होने का नहीं, अभी इतना बड़ा गिरावट है तो उसमें थोड़ा मेरे को लॉस दिख रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया, अभी जो लॉस दिख रहा है 500 राइट। अभी अगर देखेंगे पोजीशन में, ये दूसरा पोजीशन है, ओवरऑल 2 डे लॉसेस, और वो तो सरो या सब, ये जो 678 का गैप अप एरर है थोड़ा, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे 300, यहाँ पे बाद में एडजस्ट हो जाएगा, 600 700 तो होगा नहीं लॉस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का गैप अप, मतलब इस प्राइस में थोड़ा सा गैप अप देखा था कभी कभी नेट का इशू कारण। तो जो भी है यहाँ पे लॉस तो होने वाला नहीं, ये दोनों लॉस लॉस नहीं हो सकता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी दिखा रहा है, क्योंकि अगर हम जाएंगे यहाँ पे जाएंगे, ये आगे पीछे थोड़ा सा एडजस्ट, मतलब यहाँ पे उतना डाटा का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे जब भी हम जाएंगे। हाँ तो यहाँ पे क्या है, ये वाला कंटक्ट जितना दूर का लिया, ये देखो इससे हमारा क्या चल रहा है नीचे से, ज़्यादा दूर का नहीं है, यहाँ से क्या हुआ, हम बाइंग प्राइस, पहले तो बाइंग क्या है नीचे से एवरेज कर करके यहाँ तक लाया, क्योंकि हमारा बाइंग यहाँ पे था, तो वो जो प्रॉफिट हुआ था ना नीचे ले आके आया, फिर इसको एवरेज करके यहाँ पे साइकोलॉजी में हम के यहाँ पे 300 लॉस दे रहे ना, कल प्रॉफिट भी दे रहा था 300 400, तो भी बुक नहीं है, क्योंकि उस जब भी यहाँ पे आया 400 रुपये का लॉस देता है, मैं वहाँ पे फिर क्या किया मैंने, एक इसका शॉर्ट कर दिया, देखो यहाँ से तो ये ऊपर आ गया था, तो ये ऊपर आ गया था, शॉर्ट किया था दोनों में, इसमें लॉस दिखाना ऐसा क्यों दिखा रहा है दोनों में, वही समझ में नहीं आया, 400 रुपये का लॉस दिखाना मैक्सिमम, या फिर तो कुछ और ज़्यादा ही दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इतना नहीं होता, वो नीचे का बाइंग का जो है उसका दिक्कत है शायद। यहाँ पे जाएंगे तो 5 मिनट्स का 5 मिनट्स से चले जाएंगे, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू होगा शायद, तो ये जो अपडेट नहीं होता है यार, ये मार्केट डिप्ट का है ओवरऑल व्यू। ओवरऑल व्यू में जाएंगे, यहाँ पे हमने क्या करेंगे, मार्केट डिप्ट, तो यहाँ पे यही दिक्कत होता है कभी कभी, यहाँ पे थोड़ा सा जितना दूर का कांटेक्ट लेता हूँ ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, नहीं थोड़ा आगे पीछे का मतलब इशू दिखाता है, थोड़ा लॉस प्रॉफिट जल्दी नहीं दिखाता है यहाँ पे, थोड़ा सा डाटा का ऊपर नीचे होता है, ये तो आ जाएगा, अच्छा कुछ नहीं, 200 रुपये दे रहा है अभी लॉस,
वो कम हो जाएगा, वो पे टेक्निकल इश्यू है थोड़ा सा, नीचे का लॉस होना चाहिए, कोई बात नहीं, ये एक प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर निकाल देंगे, कुछ खुला छोड़ देंगे, हमेशा सेलिंग में प्रॉफिट करा जाता है, तो देखना है डिमांड एंड सप्लाई कहाँ हो रहा है, उससे एवरेज करते रहना थोड़ा सा, यही सेटअप है बस, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं हम, अगर देखेंगे सिल्वर मिनी के अंदर क्या हो रहा है, अगर हम थोड़ा सा जाएंगे इसको करते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे दिखता वो कोई लाइव ट्रेड का कुछ मिलेगा क्या नहीं। हाँ और डेली के तो न्यूट्रल लेवल में अभी क्या है, एक बाइंग एक सेलिंग कर सकते हैं इजीली, मंथली मंथली इतना ध्यान नहीं देना क्योंकि उतना दूर जाए तो क्या घंटा मिलेगा, मंथली में एक सेलिंग था अच्छा खासा, तो वीकली में भी देख सकता है वो थोड़ा सा ऊपर से, हमें एक मैकेट सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे फंड भी ज़्यादा नहीं, चलो अब दिखाई देंगे आप लोग को एक मैकेट सेल करके, अब 10-15 मिनट चार्ट है क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे चलो मैनेज कर लेंगे किस तरह से हम, 15 मिनट में बहुत दूर गया, इतना स्टॉप लॉस लेना बोले तो नेकेट में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हम ना छोटा स्टॉप लॉस लेंगे यहाँ से, हमने यहाँ से एक बाइंग एंड सेलिंग कौन सा फेब्रुवरी का है, हम क्या करेंगे ये एक छोटा सा 5 मिनट टू 15 मिनट कैंडल में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे सेल कर सकता है ठीक है, मार्केट प्राइस ना लिमिट पर रिजेक्ट हुआ क्या है, पैसा है नहीं, ये कौन सा ब्रोकर, हाँ फायर कन्फर्म स्टॉप लॉसेस क्या बता रहा है, मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस लॉट बाय 8,000 सो ब्लर फंड ओवरऑल व्यू स्टडी क्या है, ये क्या बता रहा है, चलो इसको रिफ्रेश करके देख लेंगे क्या, कभी कभी नेटवर्क का कुछ तो है यहाँ पे, फंड सपोज उसमें फंड 10-10 लॉट है, उसको कैपिटल ब्लॉक करके रखा होगा शायद, देखता हो क्या हो रहा है, कभी कभी वो भी होता है क्योंकि यहाँ पे फंड ना, अगर हम इसमें आएंगे पे मार्केट ने लिमिट ऑर्डर में, हो सकता है लिमिट ऑर्डर में बाय हो जाए क्योंकि यहाँ पे देखो अलग ही दुनिया चल रहा है, रिजेक्ट क्यों करा रहा है भाई, ओवरऑल हिस्ट्री में जाएंगे पढ़ना पड़ेगा क्या है, ठीक है वीडियो है देख दो क्या पर...